तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फॉर्मूला प्रूव करने वाले, 3 से 4 फॉर्मूला प्रूव करेंगे कॉस टू एक्स के लिए। आपको पता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला 3 से 4 होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उनको हम बहुत बार यूज करते हैं, तो उनको याद करने की जरूरत ना पड़े, इसके वजह से मैं इसका प्रूफ लेके आया हूँ दोस्तों। तो आपको करना क्या है, लेक्चर स्टार्ट से एंड तक देखना है और आपको समझना है कि हम इन फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद। आप कभी भी कॉस टू एक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं आपको इस लेक्चर में उनका प्रूफ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कॉस टू एक्स का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का जो होता है 2 cos² x - 1, थर्ड होता है 1 - 2 sin² x, और फोर्थ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 - 10² x / 1 + 10² x। तो दोस्तों, आज हम ये चारों फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, तो हमें किसी भी फॉर्मूले की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो हमें कॉस के एक फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी का, जो कि होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस रहेगा, इंटू साइन बी। तो दोस्तों, आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है बट कॉस टू ए का नहीं पता है, तो कॉस टू ए या कॉस टू बी का पता नहीं है, मतलब डबल एंगल्स, यहाँ पे दो एंगल्स है जो सेम नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जो कि डबल है, तो वो डबल एंगल फॉर्मूला इसीलिए इसको बोलते हैं। तो हम डबल एंगल फॉर्मूला प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला जब भी हमें प्रूव करना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो दोनों एंगल है, जैसे डबल एंगल है ना, तो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस एक्स में। तो हम डिवाइड करने के बाद, डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके, क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी मतलब दो एंगल के सम के लिए फॉर्मूला पता है, बट हमें डबल एंगल के लिए पता नहीं है, वही हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसीलिए हम इसको एक्स प्लस एक्स लिख देते हैं। आपको पता है कॉस टू एक्स को हम 2x को x प्लस एक्स लिखे या 2x लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी से हम फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। तो जब भी हम cos x प्लस एक्स लिखेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पे, क्योंकि अभी हमें cos a प्लस बी मिल गया, तो हमें cos x और b, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, कॉस ए क्या है यहाँ पे एक्स है, और बी क्या है वो भी एक्स है, तो जितने भी एंगल है वो एक्स हो जाएंगे। तो हम इसको डिराइव करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और उसके बाद भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और हमें क्या मिल गया, कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाला लिख के रखा हुआ है वो फॉर्मूला मिल गया, एक लाइन में, एक स्टेप में बस मिल गया। आपको बस समझना क्या है, अगर कॉस टू एक्स का कभी भी आपको डेरिवेशन करना है उसके फॉर्मूले का, तो आप 2x को x प्लस एक्स लिखो, और उसके बाद कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो, और उसके बाद सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, कॉस टू एक्स हमें पता है, अभी अभी हमने डिराइव किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो दोस्तों, आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला है आपको कॉस के टर्म में चाहिए या साइन के टर्म में चाहिए। अगर आपको कॉस के टर्म में चाहिए, जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, और अगर आपको साइन के टर्म में चाहिए तो जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो हमें अभी कॉस के टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 - cos² x। तो अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 + cos² x, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों क्या होगा, 2 cos² x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 cos² x हो जाएगा माइनस 1।
तो हमारा सेकंड जो फॉर्मूला था वो भी प्रूव हो गया। अभी हम थर्ड प्रूव करेंगे, उसके बाद फोर्थ। सो दोस्तों, हमारे फर्स्ट दो जो फॉर्मूले थे वो प्रूव कर चुके हैं। अभी हम थर्ड वाला करेंगे, जो कि है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके पहले मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर हमें पता है cos 2x क्या होता है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो बेस है cos 2x का, वो है cos 2x का जो बेसिक फॉर्मूला है उससे ही हम सबको डिराइव करते हैं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अगर साइन के टर्म में आपको चाहिए तो जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो हम वही करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है वो साइन में चाहिए। तो हम करेंगे, जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो थर्ड फॉर्मूला था वो भी प्रूव हो चुका है दोस्तों, बहुत ही इजीली। और उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत थोड़ा सा ट्रिक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस 2x क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, जितने भी फॉर्मूले हैं और जो बेसिक फॉर्मूला है उससे डिराइव होगा। तो हम पहले इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम पहले देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, यहाँ पे 1 लाना होगा, और उसके बाद हमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी कुछ चाहिए। तो वहाँ पे हम कुछ हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के लिए करते क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से डिवाइड किया, पहले आपको यही करना है। बस आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, ये स्टेप अगर आपको याद रहेगा तो आप ये फोर्थ जो फॉर्मूला है जो लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है उसको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोग भूल जाते हैं कि करना क्या था। तो आपको करना क्या है, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, उसके बाद आपको क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें उतना ही मिला, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही मिला वो आपको पता है। तो 1 को बट डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 1 को रिप्लेस किया है हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 1। तो इसके वजह से हमने 1 को रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 चाहिए यहाँ पे, और 1 माइनस समथिंग मतलब 10 स्क्वायर एक्स चाहिए। तो आपको प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आपको राइट हैंड साइड में देखना है कि आपको चाहिए क्या, यहाँ पे 1 चाहिए। अगर यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो वो भी मिल रहा है, तो और कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो हमें 10 स्क्वायर एक्स मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, सभी जितने भी टर्म्स हैं उनमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड करते तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। दोस्तों हमने डिवाइड कर दिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और माइनस माइनस ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा 10 स्क्वायर एक्स, उसके बाद कॉस 1 हो जाएगा प्लस रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 10 स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला था दोस्तों वो भी प्रूव हो गया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि आपको सब समझ में आया, मैंने जितने भी स्टेप्स है सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के प्रूफ के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करो।